आजकल हर तरफ डेल्टा वायरस, डेल्टा प्लस वायरस की बात हो रही है, तीसरी लहर की बात हो रही है। कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग फटीग्ड हैं कि कब तक ये चलेगा, मगर इससे आगे तो बढ़ना है। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम इससे आगे बढ़ पाएँ। पहला आंसर कि तीसरी लहर आएगी कि नहीं, जितने एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं ऐसे महामारी में तीसरा वेव आता है, और जनरली जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा कैसा उसके खिलाफ लड़ाई है हमारी, उसके हिसाब से इसकी तीव्रता हो सकती है। उतना सेकंड जैसा हुआ हमारा, दूसरी लहर जितनी स्ट्रांग थी, अगर हम अपने बिहेवियर को अच्छा रखेंगे तो हो सकता है ये इतनी स्ट्रांग ना रहे, लेकिन अगर हम धीरज नहीं रखेंगे और चीज़ों का पालन नहीं करेंगे तो ये लहर भी उतनी स्ट्रांग हो सकती है। तो हम क्या करें ताकि तीसरी लहर स्ट्रांग ना हो, और हमारे हर एक इंसान का योगदान इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कुछ पॉइंट ध्यान दीजिए। नंबर वन, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है हम सब जानते हैं, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना और डिस्टेंस मेंटेन करना। आपका कोई भी अपना मिलने आ रहा है, कितना भी कई दिन बाद आप मिल रहे हैं, बहुत कुछ है, किसी को ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ नहीं सोचना है। और हम सबको ये तीनों चीज़ फॉलो करनी है, मास्क, हैंड वॉश और डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, इसको फॉलो करते रहिए। और नंबर टू, वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं लगवाया है तो प्लीज़ लगवा लीजिए। दोनों डोज अगर आप लगाए हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपका अच्छा इसमें सुरक्षा मेंटेन रहेगी, और प्लीज़ गो हेड फॉर इट। तीसरी चीज़, कोविड फटीग जिसका नाम दिया गया है, सब लोग इतने थक चुके हैं 1.5 साल से कोविड देख देख के कि अरे कब तक हम अंदर रहेंगे और इसके अगेंस्ट हमें बाहर जाना है और बस ये। तो मेरा एक छोटा सा आपसे अनुरोध है, इस बात को समझिए, कोविड अपने आप से नहीं फैलता, कोविड इंसान के थ्रू फैल रहा है। अगर हम सब वैक्सीनेटेड होंगे तो कोविड को घर नहीं मिलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब कोविड फ्लेयर नहीं कर सकता। तो तब तक जब तक हम सब लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, हमको संयम का पालन करना है। हमारे गवर्नमेंट द्वारा इतने अच्छे तरीके से जो योजना चल रही है, एक टाइम आएगा कि हम लोग मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड होंगे, उसके बाद ये फ्लेयर नहीं आएगा। अगर हम धीरज रखें और जितना हमने अभी 1.5 साल बिताया है, अगले 2-4 महीने में अगर हम लोग का जब पूरे मास वैक्सीनेशन से के टाइम तक अगर हम अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें और हम वैक्सीनेशन के लिए एक्टिव रहें, तो उसके बाद ये कोविड भी ख़त्म होगा और हम इससे ज़रूर जीतेंगे। हमें बस ध्यान रखना है। तीसरा, डरने की बात नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। किसी को बुखार आता है तो आइसोलेट हो जाइए, सलाह लीजिए डॉक्टर से और अपने आप को बचाइए, अपनी फैमिली को बचाइए। अगर हम सब इन संयम का पालन करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक टाइम आएगा कि हम कोविड से जीतेंगे। थैंक यू।